उसके बाद मैंने जो देखा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है मैंने पूरे झारखंड में। हेलो गाइस, गुड इवनिंग और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा को मैंने पॉज तो किया है, बट एग्ज़ाम के दौरान ही मैं सबसे पहले लिफ्ट मांग करके आ गया हूँ यहाँ पे जमशेदपुर में, जमशेदपुर दिवस को एंजॉय करने के लिए, जो कि 3 मार्च को होता है। मतलब बीते दिनों जो मैं घूमने के लिए आया हूँ, और मैं बस यहाँ की आपको डेकोरेशन दिखाना चाहता हूँ और यहाँ के जो सेलिब्रेशन चल रही है उसको अपने ब्लॉग में कैद करना चाहता हूँ। और वेट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बाद में बाकी जो भी ब्लॉग्स हैं उसको मैं लाऊं और उसके बाद इस वाले ब्लॉग को लाऊं। तो चलिए अब आपको भी मैं दिखाता हूं कि क्या खूबसूरत से ये स्टील नगरी सजी हुई है और क्यों आके सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको इस खूबसूरत सी स्टील नगरी को दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त रोशनियों में जगमगा रही है। सोचने वाली बातें है ना कि एक छोटी से छोटी पौधे जो भी लगे गए हैं ना फुटपाथ में उनको भी डेकोरेट कर दी गई है। ये खूबसूरत है अपनी स्टील नगरी जमशेदपुर की। अभी जुबली पार्क तो आना बाकी है, तो चलिए अब डायरेक्ट हम जुबली पार्क में मिले। देखो इन पत्थरों में भी लाइट लगा दी गई है, बट अभी लाइट जली नहीं है। और ये जुबली रोड मतलब जुबली पार्क जाने वाली रास्ते, चलिए हम चलते हैं जुबली पार्क और देखते हैं कि क्या कुछ नज़ारे वहाँ पे हैं। और कई सारे लोग भी जा रहे हैं तो पीछे पीछे हम भी चलें। जमशेदपुर, बट मैं बोलूँगा थैंक यू जमशेद जी टाटा फॉर दिस ब्यूटीफुल सिटी। गाइज अभी तक आपने देखा यहाँ की कितनी ऐसी लाइटिंग हुई थी, अब देखिए यहाँ के फाउंटेन।
जुबली पार्क में जो आपने फाउंटेन और लाइटिंग देखा ना, उसके बाद में वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि 15 मिनट के बाद वहां पे सारी चीजें जो डेकोरेशंस थी वो बंद होने वाली थी, लाइटिंग बंद होने वाली थी। तो मैंने सोचा जल्दी यहां से बाहर निकलते हैं, और फोन का बैटरी भी डेड हो रहा था, तो मैं वहां से जल्दी जल्दी बाहर निकला, और जैमर लगी हुई थी तो मैं ना ही कोई स्टोरी पोस्ट कर पाया और ना ही कुछ। पर उसके बाद मैंने जो देखा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है मैंने पूरे झारखंड में अब तक, जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी आप ये मोमेंट देखो, उसके बाद फिर मैं आपको चीजें बताता हूँ। मैं अभी बाहर आ गया था वहाँ से, जुबली पार्क से, और बस खाना खा करके निकल ही रहा था कि मैं कुछ भाइयों को देखा, और वो लोग अभी भी मदद कर रहे हैं यार। देखो वहाँ पे पीछे में 3 मार्बल्स बन करके आए हैं, मैं देखता हूँ, बात करके पूछता हूँ उनसे कुछ क्या बात चल रहा है। हेलो भैया, भैया 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 सर जी, हेलो भैया। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। अभी देखो वो फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं वहाँ पे, और जुबली पार्क से निकल करके बस वीडियो खत्म ही हो गया। मैंने सोचा कि कल सुबह जाके एंड करूंगा, तब तक मैंने ये चीज़ देख ली, तो मैं सोचा कि ये कर लूँ। ये शायद गाड़ी में आया है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो आ गए भैया लोग। हाय भैया, आप लोग ये मार्बल गेम्स कुछ मैंने देखा अभी आप लोग खाना वगैरह बांट रहे थे, कुछ इसके बारे में मुझे बताएंगे? मतलब लोकल मार्बल, आप लोगों का भी यूट्यूब चैनल है जी? अच्छा अच्छा, तो इतनी रात को करीब 11 बज गए और आप लोग मतलब? और हम लोग यहाँ पे जितना भी मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सबका हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग लोकल मार्बल जो है बन के और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आस पास के एरिया में जितने भी मतलब पुअर पीपल से जो काम नहीं कर पाते उनके लिए, अच्छा अच्छा, हमें मतलब कुछ कर रहे हैं। ओके भैया, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा काम है आप लोगों का, बेस्ट विशेस। तो उसके बाद मैं जादूगोड़ा वापस से पहुंच चुका हूं, उस प्लेस में जहां पे मैंने अपनी जर्नी पॉज की थी। वो देखो झंडा वाला जो स्टिक है वो वहां पे आपको दिख रहा होगा, और फिलहाल मैं यहीं पे हूं अभी जादूगोड़ा में जहां पे जर्नी मैंने पॉज की है। यहां से प्ले नहीं कर रहा हूं अभी, जर्नी नहीं होने वाली है, बट मैं फिर वापस यहीं से एग्जाम देने के लिए वो जिस क्षेत्र में मैं गया हूं उस क्षेत्र में वापस लौट जाऊंगा। बट मैं यहां पे स्पेशली आया था 3 मार्च को शूट करने के लिए, और यहां पे सुरदा क्रॉसिंग जो प्लेस का नाम है जो घाटशिला के आसपास में, बहुत खूबसूरत तरीके से सरहुल ऑर्गेनाइज की जाती है। तो मैं यहां पे दीपक के घर में रुका हूं, सूर्या, दीपक, साइमन और भरत जो थे उन्होंने मुझे जादूगोड़ा में रुका है कि आप यहां पे जर्नी पॉज कर सकते हो, अपनी चीजें यहां रख सकते हो और आगे जाकर के कर सकते हो। तो मैंने आपसे एक बार लाइव आकर के मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं एक बार आपसे पूछूं, तो फिर मैंने सोचा कि एग्जाम कहीं खराब ना हो जाए इसलिए पाउस का पाउस ही रहने देते हैं। बट 3 मार्च और जो सरहुल होगी उसको जाकर के मैं शूट करूंगा और उसको ऑन द टाइम ही लाऊंगा। ऐसा नहीं कि रांची के ब्लॉग देख रहे हैं तो रांची के बाद फिर जमशेदपुर आऊं, इस टीम के दूसरे पार्टों में जाऊं और उसके बाद इस ब्लॉग को लाऊं, बिल्कुल नहीं। तो कुछ भी ऐसा ओकेशन बीच में होगा ना तो मैं उसको करंटली उसी टाइम शूट करके कोशिश करूंगा विद इन 1 or 2 days उसको लेकर के आऊं। उम्मीद करता हूं कि ये झारखंड के खूबसूरत से शहर और वन ऑफ स्टील नगरी, स्टील नगरी जमशेदपुर में हो रही फाउंडर डे में जो लाइटिंग है और फाउंटिंग जो चल रही थी वो वाली चीज़ें देख करके आपको बहुत मजा आया होगा, और साथ साथ में लोकल मार्बल्स का ये काम जो आपने अभी देखा कि वो गरीबों की मदद कर रहे थे अपने मुंह छुपा करके। मतलब लोग तो करते हैं मदद दूसरों की, कुछ लोग ऐसे निस्वार्थ भाव से करते हैं, कुछ लोग फेमस होने के लिए करते हैं कि भाई हमारा फेस जो है फेस वैल्यू बने, बट ये लोग कुछ यूनिक तरीका था, मतलब ये लोग अंदर से चाहते थे कि हम लोगों को मदद करें और कोई जरूरी नहीं हमें अपना फेस दिखाना, इसी वजह से वो मार्बल के गेटअप में थे। तो ये मुझे इनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, ये इनका अपना जो थॉट है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, फाउंडर डे में जो खूबसूरत तरीके से जमशेदपुर को सजाया गया था वो अच्छा लगा होगा। उसके लिए चाहे तो आप एक लाइक दे सकते हैं अगर अच्छा लगा होगा तो। मार्बल, लोकल मार्बल्स का काम अच्छा लगा होगा तो आप इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको झारखंड पैदल यात्रा के दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डोंट फॉरगेट, कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।